सर कभी कभी ना सोचता हूँ कि मतलब कर्जे में जिंदगी गुजारी जाए या फिर बिना कर्जे की जिंदगी। देखो कर्जे में यदि आप हो तो ऐसा नहीं हो कि आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, जी रहे हो भाई। एक थोड़ा सा टेंशन रहता है, वो डिपेंड करता है, कोई टेंशन लेता है कर्जे का, कोई नहीं लेता है। अब किसी के ऊपर कर्जा है, वो थोड़े बहुत पैसे ले लेता है फ्रेंड से। अब लेट से मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज का दिन है, कोई भी आपके फ्रेंड्स लोग पार्टी करना चाहते हैं या फिर कहीं पर ट्रेवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अब एक बंदा है जिसमें से उसके पास में पैसे नहीं है, ठीक है। अब वो यदि उसके पास में पैसे नहीं है, वो समझदारी करेगा कि यार पैसे तो नहीं है तो छोड़ो। या फिर दूसरा काम ये कर सकता है कि वो किसी से उधारी ले सकता है। उधारी बहुत बड़ी बात है, बहुत एक खतरनाक ट्रैप है। यदि आप इस ट्रैप को समझ नहीं पाए तो, समझदारी से हैंडल नहीं किया तो लेट से वो दो काम कर सकता है। या तो वो सीधा मना कर दे तो उसका खर्चा नहीं होगा, उसका किसी का उधारी पर नहीं होगा, और वहीं दूसरी तरफ वो किसी से उधारी ले ले ये सोच कर कि वो बाद में जाकर दे देगा, तो वो हो सकता है कि उस दिन वो मजा ले ले जिंदगी का, वो ट्रेवलिंग कर ले, सब कर ले। फिर वो वहां से आने के बाद में उसके ऊपर रहेगा कि इससे मैंने पैसे लिए, उसको देने हैं, ठीक है। अब मान लो बाद में जाके वो कुछ ऐसा काम भी करने लग जाता है या फिर बाई चांस कुछ काम करने लग जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, वो पैसे भी चुका देता है, उसके पास में अच्छे खासे पैसे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जिसने कर्जा नहीं लिया था और वो नहीं गया घूमने, और वो भी अगले दिन या फिर नेक्स्ट ईयर से बाद से कुछ समय बाद से पैसे कमाने लग जाता है। लेकिन वो जो दिन था, जिस दिन उसने मना किया था, जिस दिन उसने उधारी लेने से मना कर दिया था, वो तो दिन वापिस नहीं आने वाला। पैसे तो वापिस आ सकते हैं, पैसे उसने वापिस कमा लिए, लेकिन वो जो टाइम था, जो उसके बचपन के दोस्तों के साथ में वो घूम सकता था, एंजॉय कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। किस वजह से? पैसे की वजह से। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी कमा सकते हो, वो चाहे आपका बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, कभी भी आप, यदि आपके पास में टैलेंट है, स्किल है, तो आप कमा सकते हो। पैसे का नहीं है, पैसा ऐसे नहीं बोलेगा कि आप बूढ़े हो, आप बचपन हो, आप चाइल्ड हो, आप जवान हो, आपको पैसे नहीं आएगा। पैसे सबको आता है, पैसे को आप कमा सकते हो, लेकिन जो मोमेंट है, जो जो पर्टिकुलर टाइम रहता है, वो समय आप नहीं कमा सकते। लेट से अभी मेरा मतलब कि एज 20-22 के आसपास है, मेरा अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, हेल्थ वाइज भी उम्र के हिसाब से हो गया हुआ, लेकिन हेल्थ वाइज भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, काफी टाइम है मेरे पास। अभी भी चाहूँ तो मैं काफी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बट वहीं दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इन सब को करने के बजाय मैं फोकस करूँ मेरी लाइफ पर, मेरे करियर पर, पैसे कमाने के ऊपर, जितना सेव कर सकता हूँ उतना फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो जितना कमा सकते हैं उतना कमाए, एंजॉय करना छोड़ दे, पैसे को बचाए, और वहीं आगे जाकर पैसे खूब कमाए, पैसे बचाए, ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, वहीं जाकर आगे कुछ ऐसी सी छोटी सी ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपके सारे पैसे पानी की तरह चले गए, तो ना तो आप वो जिंदगी ठीक से जी पाए, और आगे जाकर भी फिर वहीं के वहीं, पैसे तो आपके पास में है नहीं, और आपने वो जो जिंदगी आपकी जो समय था वैल्यूबल, वो आपने काम करने में निकाल दिया, जो कि आप करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी पैसों के कारण आपको करना पड़ा। वहीं दूसरा तरफ एक बंदा है जो कि उसने उस काम को चूज नहीं किया, उसने एंजॉयमेंट को चूज किया, उसने सोचा कि ये समय निकल गया, यही समय है, या तो करियर बना लो, जिंदगी जी लो, क्योंकि बाद में बुढ़ापे में आप क्या ही जियोगे, बाद में बुढ़ापे में क्या ही जियोगे, कुछ याददाश्त, कुछ मेमोरीज रहेगी। हाँ, एक चाहो तो आप फाइनेंशियली यदि कुछ आपने इस सेटलमेंट कर रखा है, आपको इनकम आती रहती है, तो आप आपकी जिंदगी निकाल सकते हो घूमने फिरने में, आपके जो भी शौक पूरे करने में। वो कहते हैं ना, शौक पूरे करो जिंदगी तो वैसे ही पूरी हो जाएगी, तो वो बात बहुत हद तक सही है, ठीक है। और एक बात और है कि पैसा चाहे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसे से ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, वो है समय की। जो समय गुजर गया आपका, निकल गया, जो जवानी, जो बचपन निकल गया, पुरानी यादें, वो वापस नहीं आ सकती, चाहे आपके पास में कितने भी खरबों से पैसे हो। एलोन मस्क को ले लो, उसका शरीर देख लो, उसकी एज देख लो, वो जवान नहीं हो सकता, उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, सबसे अमीर आदमी है वो दुनिया का, पैसे की कोई कमी नहीं है वो, लेकिन पैसों से जवान नहीं हो सकता, वो समय खरीद नहीं सकता, ठीक है। उसका भी समय निकलता जा रहा है,
उसके बच्चों का भी निकलता जा रहा, सबका समय निकलता जा रहा। समय को आप वापिस नहीं ला सकते, लेकिन पैसे को आप वापिस ला सकते हो। यदि आपका पैसा चला गया तो आप चाहो तो पैसे को वापिस ला सकते हो। तो ये डाउट एक रहता है मन में कि फोकस करियर पे करे, पैसे कमाने पे करे, या फिर जिंदगी को जीने पे करे। यदि जिंदगी को जीने पे फोकस कर लिया तो पैसे कमाना कहाँ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम दोनों काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सब कहते हैं कि पैशन फॉलो करो, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है, उसमें भी पैसे कमा सकते हो। हाँ, बात मानी मैंने। लाइक मेरे को घूमना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, डांस करके पैसे कमा सकते हो, गाना गा के पैसे कमा सकते हो। यदि कुछ टैलेंट है तो आप शोकेस कर सकते हो सोशल मीडिया पर। यदि आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ट्रेवलिंग कर सकते हो, अलग अलग जगह के बारे में बता सकते हो, फैक्ट बता सकते हो, जगह के बारे में बता सकते हो, हिस्ट्री बता सकते हो उस जगह की। तो ये सब बता सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिनारियो पे डिपेंड करता है कि आपकी उस समय हालात कैसे चल रहे हैं, पैसों की जरूरत। क्योंकि इंटरनेट का ऐसा है, सोशल मीडिया का जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, इसमें एकदम से कुछ नहीं होता, इसमें समय लगता है। बट वहीं जॉब की बात करें, आप जॉब पे लगे और उसी दिन से आपका जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब डेली का जो भी आपका सैलरी है, मतलब मंथली का सैलरी, वो आपका बनना स्टार्ट हो जाता है डेली से। बट यही कंटेंट क्रिएशन में आप देखोगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, एक दिन से पहले दिन से आपको पैसे नहीं मिलने वाले। इसमें पहले आपको अच्छा अकाउंट बनाना पड़ेगा, अच्छा वायरल होने पड़ेंगे, अच्छे सब्सक्राइबर फॉलोवर गेन करने पड़ेंगे, तब जाके बाद में आप इससे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। हो खैर, ठीक है, देखते हैं कब अपना चैनल उठता है, कब अपन वायरल होते हैं, कब ग्रो करते हैं, पैसों की प्रॉब्लम खत्म होती है या लाइफ खत्म होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी कोशिश को जारी रखते हैं, कोशिश नहीं आनी चाहिए।